सो किसी के लिए आपका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, आपका प्यार किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस है, किसी के लिए फीलिंग्स आपके दिल में बहुत ज़्यादा है, पर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर कांटेक्ट में होने के बावजूद भी आप सामने वाले के दिल की बात नहीं जानते हो और जानना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनके थॉट्स में। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए है, ओके। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। फ्रॉड से प्लीज़ सावधान रहें, दिए हुए मेंशन नंबर पर ही आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके करवा सकते हैं। आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से या आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से एनर्जाइज होकर के आप तक पहुँच जाएंगे। सो ये डेक से हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज़ क्या निकल के आ रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या बातें करते हैं आपको लेकर के। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के, पार्टनर्स के दिल में। जल्दी जल्दी कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। क्या करना है कार्ड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, शेयर करेंगे तो दूसरों की हेल्प हो जाएगी, हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को भी हो। सो हेल्प कीजिए दूसरों की, डिवाइन आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाएंगी, ओके। सो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखें, ओके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या निकल के आया है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। सो सबसे पहला आया है यहाँ पर पाथ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं और क्या आ रहा है उनके एनर्जीज, ओके। फ्रूटिशन, एक्शन, ओके। असेसिंग, नाइस। फियर, ओके। एक्सेप्टेंस और आया है ट्रस्ट, फाइन। सो देखो ये कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के एनर्जीज में निकल करके, ओके जी। सो देखो आपके पार्टनर के दिल में, उनके मन में, उनके अंदर एक अजीब सी टेंशन मैं देख रही हूँ, ओके। आप इनकी लाइफ में हो, भले कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है, यहाँ आपके पर्सन के दिल में थोड़ा सा डर मैं देख पा रही हूँ। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि आप उनको धोखा दे दो, या फिर आप उनको छोड़ दो, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बातें छुपा रहे हो उनसे जो उनको जानना ज़रूरी है। कई बार उनके दिल में ऐसा कोई डर निकलता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। और साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां वो परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, या किसी बात को लेकर के घबराहट हो रही होती है, तो सिर्फ आप होते हो उनके आसपास जो उनको प्रोटेक्ट कर पाते हो, राइट। आपको लेकर के डर एक अलग उनके दिल में है, लेकिन साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि जब भी उनकी लाइफ में कोई फियर आया है, जब भी उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहां वो घबराए हैं, या फिर जहां उनको किसी हेल्प की या एक साथी की ज़रूरत पड़ी है, तो आपने हमेशा उनका साथ दिया है। आप पहले, हो सकता है आपको पहले बहुत ईजीली नहीं बातें कर पाते थे, या पहले आपको अपने दिल की बात नहीं बता पाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो आप तक पहुँचे और आपको एक
आपने उनको इतना कंफर्टेबल फील करवाया कि वो आपको अपने दिल की हर बात बता सकें। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर के आए हो। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से वो जो सोचते हैं, वो जो चाहते हैं, उनको मिल जाता है, राइट? उनकी लाइफ में एक मिठास बढ़ चुकी है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ चुकी है। और अगर वो कुछ भी सोचते थे और उनको ऐसा लगता था कि ये वो नहीं कर पाएंगे या ये काम करना उनके लिए मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं आप उनको एक सपोर्ट देते थे, आप उनको एक विश्वास देते थे कि नहीं, उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान है और वो कर पाएंगे। सो एक आप उनको एक स्ट्रेंथ देते हो, आप उनको एक कॉन्फिडेंस हमेशा से देते हुए आए हो, और आपने हमेशा एक ना एक अंडरस्टैंडिंग वाला एक माहौल बना करके रखा है, कोई प्रेशर बना करके नहीं रखा है। बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि वो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा खुश हैं कि वो जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, या जो भी उनका लाइफस्टाइल है या जो भी उनकी सिचुएशन है, आप हर चीज़ के लिए तैयार हो, ठीक है? आप उनको हर तरीके से एक्सेप्ट करते हो, आप उनको बदलना नहीं चाहते हो। बेसिकली आप ये नहीं चाहते हो कि पर्सन आपके हिसाब से सारे काम करता रहे या करती रहे, ओके? आपने एक फ्रीडम उनको दी हुई है। एक रिलेशनशिप में फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, पहले हो सकता है वो किसी के ऊपर विश्वास ना कर पाते हों, ठीक है? क्योंकि अपने दिल की बात किसी से शेयर करना, किसी के साथ डिस्कस करना आसान नहीं होता सबके लिए। सो एक डर उनके मन में हमेशा से बना रहा था, लेकिन आपके आने के बाद वो डर कहीं ना कहीं निकल चुका है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ एक लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप भले ही आप लोग साथ रहें या ना रहें, या फिर आप लोग परमानेंटली एक दूसरे के साथ रह पाएँ या ना रह पाएँ, लेकिन उनको ये पता है कि आप एक लंबा सफ़र उनके साथ तय करोगे, आप उनको बीच में छोड़ करके नहीं जाओगे। सो आपका साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये चीज़ को जानते हैं कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और इतना ज़्यादा फेथ, इतना ज़्यादा ट्रस्ट वो आपके ऊपर कर चुके हैं कि शायद आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप अपने आप ही उनके दिल का हाल जान जाते हो, अपने आप ही समझ जाते हो कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, राइट? सो काफ़ी कुछ चीज़ें उनके मन में चल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये बातें वो लोगों से डिस्कस भी करते हैं कि कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में ऐसा है जो उनकी तकलीफ़ों को आसानी से समझ पाता है और आसानी से उनके दिल की बात या दिल के दर्द को अपना दर्द बना लेता है। सो आप उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस भी निकालते हो, आप कोई प्रेशर नहीं डालते हो इनके ऊपर, वो चीज़ इनको सबसे ज़्यादा आपकी पॉजिटिव लगती है, ओके? सो एक होता है कि लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा साथी मिल जाए जो आपको हर तरीके से समझ सके, तो बहुत अच्छा एक इंसान अपने को फील कर पाता है, राइट? आपका एक डिवाइन कनेक्शन डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के और आपके बीच में। सो आप देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। सो नेक्स्ट यहाँ निकल करके आया है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि यहाँ पर आई है। नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ कप्स, और देखते हैं इनकी एनर्जीज़ क्या निकल के आई हैं। फाइव ऑफ कप्स, सो कप्स के कार्ड यहाँ निकल करके आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। नेक्स्ट आया है यहाँ लवर्स का कार्ड, जेमिनी प्रोमिनेंटली आ गई है। ओ माय गॉड, सो सारे ही कार्ड यहाँ पर लवर्स के निकल करके आए हैं। नेक्स्ट आ गया है यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड, जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, सो देखो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है? वो आपके साथ एक ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ रहना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, उस चीज़ को लेकर के भी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ओके? बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ उनको फील होता है। एक आप ना एक बैलेंस बना करके रखना जानते हो, और आपका जो एक ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? उनको ये पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक डिग्निटी वाले इंसान हो, आपको भी फालतू की बातें पसंद नहीं हैं, और आपको रिस्पेक्ट देना पसंद है और आपको रिस्पेक्ट लेना पसंद है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत कुछ ऑफ़र करने वाले हैं। अगर आपको इंतज़ार है कमिटमेंट का तो ज़रूर लिखेगा कमिटमेंट, रीयूनियन का तो ज़रूर लिखेगा रीयूनियन।
क्योंकि डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबली कुछ सिचुएशंस उनकी लाइफ में अभी ठीक नहीं चल रही है, हो सकता है फैमिली का प्रेशर हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी इनकी लाइफ में है जहाँ पर वो अभी उस कंडीशन में नहीं है जहाँ फ़ौरन आ करके आपको कमिटमेंट दे सके या फिर फ़ौरन आ करके आपसे अपने दिल की बात कह सके। बट हाँ, ये ज़रूर उनको पता है कि जो भी सिचुएशन है आप उनके साथ हो, ठीक है, आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ोगे। बट हाँ, किसी बात को लेकर के, जैसा मैंने पहले भी बोला, कई बातों को लेकर के घबराहट और डर है। सो सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन किसी बात को लेकर के परेशान ज़रूर हैं। बट यहाँ पर डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ये समय बदल रहा है, बहुत जल्द व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें क्या चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचने वाला है, आपको मिलने वाला है, राइट। सो अगर आप ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसको, जो कि आपका सोलमेट है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपका और उसका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, आप दोनों का कोई डिवाइन कनेक्शन है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो, आप एक दूसरे की वैल्यू करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, ठीक है, और आपको ये पता है कि आपका पार्टनर आपके लिए परफेक्ट मैच है, उसी तरीके से आपके पार्टनर को भी ये पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आप ही उनके लिए एक परफेक्ट मैच हो, राइट। सो बहुत जल्द आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लवर्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है, जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं या जो भी चीज़ें आप दोनों की लाइफ में चल रही हैं वो बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाली हैं, ठीक होने वाली हैं। और एक यहाँ पर डिवाइन ये भी बताना चाहते हैं कि आपके रिश्तों की एक नई शुरुआत होने वाली है। सो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर रीयूनियन लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बहुत जल्द आ रहा है, राइट। हो सकता है आपके पास कोई मैसेज आ जाए आपके पार्टनर का कि, या फिर आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो कुछ ना कुछ, अगर ब्लॉक किया हुआ है तो बहुत जल्द वो अनब्लॉक आपको करेंगे, और आप तक कोई ना कोई मैसेज आपके पार्टनर का ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ रही है आप दोनों के रिश्तों में। सो आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द कमिटमेंट देंगे, ओके। सो जो भी दूरियाँ आप दोनों के बीच में हैं वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं, और मैं साफ साफ ये देख पा रही हूँ कि आप जो रिश्ता आपके पार्टनर के लिए महसूस करते हो वही रिश्ता अब आपके पार्टनर आपकी तरफ महसूस करने लगे हैं। सो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और अब कुछ भी हो जाए, जैसे ही जैसे जैसे समय बदलेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे और आपकी तरफ खींचे चले आएँगे और आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, राइट। तो चलिए कुछ आपके पार्टनर के मैसेजेस हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या मैसेजेस आप तक पहुँचाना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं, कुछ मैसेजेस दे दीजिए इनके पार्टनर के, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर इनको, ओके। क्लेम करते जाइए 111, आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर, ओके। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटेंस आपके लिए अभी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए आ रही हैं। वैन आई थिंक अबाउट यू इट टेक्स एवरी थिंग आई हैव इन साइड नॉट टू रीच आउट मिस यू। सो आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, परेशान दिखाई दे रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, घबराहट होती है कि वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, राइट। सो वो काफ़ी ज़्यादा पेन में भी हैं कि वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आई फील सच अ फेलियर विद यू, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए कितना, आपने उनके लिए कितना कुछ किया, आपने उनके लिए कितने एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। सो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि जितने एफर्ट्स आपने डाले उतने वो नहीं डाल पाए। आई एम टू अशेम टू कम बैक राइट नाउ, आई हेट दैट आई हर्ट यू। सो आपके पार्टनर ने अगर आपको हर्ट किया है, आपको कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया है, सो बहुत ज़्यादा अभी गिल्ट फील कर रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं कि उन्होंने आपको चोट पहुँचाई या आपको दर्द दिया, दुख दिया। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू। सो आपके ही बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू। सो देखिए, फिर से ये कार्ड यही बता रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, ओके, और अब वो
नहीं चाहते हैं आपको और दर्द देना, आपको और दुख देना। सो आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। डिवाइन आपको ये सिग्नल दे रहे हैं, आई लव यू, प्लीज़ बिलीव मी। ओके, सो डेफिनेटली आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, आपका साथी आपको ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार समय बदलने का। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।